नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कर्क कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी के महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। तो ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो नो कॉन्टैक्ट में है, या सेपरेशन में है, या ब्रेकअप में है, या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं। जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में चले हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं, जिनके साथ आपका या कैंसर का ब्रेकअप या सेपरेशन या हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है या उनसे बातें नहीं हो रही हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं और इसका वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कैंसर जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन या ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। 10 of Wands, द डेविल एंड 3 of Swords। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि जब से आपके साथ उनका रिश्ता बना है तब से वो इस रिश्ते को ढो रहे हैं। मतलब उनका आपने उनको काफ़ी चोट पहुंचाई है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और जिनसे वो अब भी किसी दर्दनाक हादसे से, किसी परेशानी से वो अब भी जूझ रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है इस रिश्ते को लेकर, उनका मन दुख रहा है क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन रही है, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी खामियाँ रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाया है। ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में किया गया है, ऐसा बंधन इस रिश्ते में रहा है जिससे वो छुटकारा नहीं पा सके हैं। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधाएं, और कुछ ऐसी एडिक्शंस जो हो सकता है वो गैम्बलिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, या नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, या वो खुद नेगेटिव हैं। तो ऐसी सिचुएशन इस रिश्ते में दिखाई दे रही है जिसकी वजह से वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, ये रिश्ता उनके लिए ढोना मुश्किल हो गया है। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं कि वो इस फिजिकली और मेंटली भी इस रिश्ते को लेकर परेशान हो गए हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि जो चीज़ें इस रिश्ते, चाहे वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, जगह हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर आपको इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो आप इन सभी चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने दें, इन चीज़ों को बदल दें। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, इनको नहीं बदलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो
आप के जो पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म होने दें उन चीज़ों को जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, संकट दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं और इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। भले ही उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन सिचुएशंस को छोड़ने में आपको परेशानी, दुख, तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, अगर आप बिना इमोशंस में बहे समय के साथ, फ्लो के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर देते हैं इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, घर बनना, घर बसना, हर तरह की फैसिलिटी इस रिश्ते में मिल सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज़ करना, ये सब देखने हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इन चीज़ों को बदल देते हैं। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को ख़त्म होने दें, इन चीज़ों को बदलने दें, ट्रांसफॉर्म होने दें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए काम ही नहीं कर रही हैं। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ, फ्लो के साथ आप जो यूनिवर्सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर काम करने के बारे में सोचें और उसे ग्रैब करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, नेम से और फेम वाला हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके। तो इस रिश्ते से सब कुछ मिल सकता है अगर आप ये जो एडिक्शन हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं उनको छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द मैजिशियन, द टावर एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन यही एक्शन चाहते हैं, मतलब अगर वो महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात या तो उनके सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, हो सकता है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी छिपी हुई बात, कोई ऐसा रहस्य खुलकर सामने आ गया है जो इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है, जो जिसकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेले जा रहे हैं। तो आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप एक तरफ ये भी हो सकता है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप अपना ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देते, थोड़ा सा अपने आप अंदर पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते कि चीज़ें सही हो जाए, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए और एक अच्छा समय आ जाए, तो जब तो उनके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, आपको ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और नेम और फेम दिलाने वाला हो सके। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, वो महसूस कर रहे हैं कि या तो अभी के लिए इस अभी कोई एक्शन लिया ही ना जाए, और अगर कोई एक्शन लेना भी है तो आप के पर्सन महसूस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन करें, थोड़ा ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उस समय को, उस वक्त को थोड़ा सा समय दें, जो अच्छा बुरा समय चल रहा है पेशेंस रखें, धीरज रखें और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उनसे माफ़ी मांगकर इसमें आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके। या फिर वो अभी के लिए दूसरी कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें
मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि उनके साथ कोई बिना मैनिपुलेशन के, बिना माइंड गेम खेले, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए रिश्ता आगे बढ़े। समय के साथ, वक्त के साथ जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे जो समय बदला है, वक्त बदला है, वो ख़त्म हो जाएगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाएगी। और कुछ केसेस में वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उनको धोखा दिया है, कोई ना कोई राजमिस्त्री, कोई ऐसा खुलकर सामने आया है, तो वो इस रिश्ते में अभी के लिए कोई एक्शन ही नहीं चाहते। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेले जा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और हर रोज़ कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, टूट फूट हो रहा है और कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं है। उनसे कुछ ना कुछ बातें छिपाई जा रही है, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसकी गाइडेंस ये है कि अगर आप बिना डरे, बिना घबराए अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप सिचुएशन का सामना करेंगे और समय को सही होने का थोड़ा सा वक्त देंगे, इंतज़ार करेंगे, तो सभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर आप उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो धोखाधड़ी, जो छल कपट, जो भेदभाव जो हो रहा था, जो टूट फूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ आप हैंडल करेंगे और अंदर का डर बाहर निकालेंगे, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर उसमें आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत करते हैं और समय को समय देते हैं, तो धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आ सकता है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा जो उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन इस तरह का उनके साथ, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी है। समय को थोड़ा सा समय देना है, पेशेंस रखना है, अपने आप को पेशेंट बनाना है और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी चोरी चकारी के, अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, काफ़ी वेट हो रहा है, ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ ही इन परेशानियों से बाहर निकल कर कुछ केसेज में नए रास्ते की तरफ जाया जा सकता है और कुछ केसेज में वेट करें, इंतज़ार करें और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप दोबारा से इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं। तो ये थी आज के लिए। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।